दोस्तों दुबई का लेबर कार्ड यानी कि वर्क परमिट अगर आपको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, आज की वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आता रहता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपना लेबर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेंगे, सर्च में जा करके लिखना होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दुबई, ये लेकर के आपको सर्च करना होगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको कहीं क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे देखिए इंक्वायरी सर्विस लिखा होगा, तो बस आपको इंक्वायरी सर्विस वाले पे करना होगा क्लिक। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट सर्विस वाले ऑप्शन पे करना होगा क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सोर्स मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट वाले ऑप्शन पे जाकर करना है क्लिक। उसके नीचे आपसे बोला जाएगा कि अपना वर्क परमिट नंबर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपका वर्क परमिट नंबर है आपको यहाँ पे वर्क परमिट नंबर देना होगा। चलिए मेरे पास एक वर्क परमिट नंबर है, मैं नंबर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपना वर्क परमिट नंबर यहाँ पे दे चुके हैं। अब आपको सर्च वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बस इस पर आपको करना होगा क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने आपका वर्क परमिट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्क परमिट आपका ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड इमेज कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताया कि आप अपना वर्क परमिट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।